सर, अचानक इस महल को म्यूजियम बनाने का सरकार ने डिसीजन कैसे ले लिया? तुम देख रहे हो ना, बिना सरकारी मदद के ये महल एकदम नष्ट होने लगा है, कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ सर, अगर ये महल म्यूजियम में तब्दील हो गया ना तो टूरिस्ट भी आएंगे और महल का रखरखाव भी हो जाएगा। हाँ, और उसके साथ साथ यहाँ रखे हुए एंटिक सामानों की निगरानी भी हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस महल में रखी हुई चीजें कितनी पुरानी और कितनी कीमती हैं। देश विदेश के सब चोर निगाहें लगा के बैठे हैं। क्या महल में चोरी होने वाली है? अरे अबे जी, मैं तो मजाक कर रहा था, भला मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो आपको फायदे गिनवा रहा था, महल के म्यूजियम बनने के फायदे। वैसे ये महल राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था ना 16वीं शताब्दी में? हाँ सर, लेकिन तब से कई बार रिनोवेट हो चुका है। अब कई राजा आए, उन्होंने इसमें बदलाव करवाए। कि राजा विक्रमादित्य की बात ही कुछ और थी, यहाँ की प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, उन पर जान निछावर करती थी। अब सर, लेकिन क्यों ना हो, राजा विक्रमादित्य थे ही ऐसे, अपनी प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे सर। अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग। अबे जी, इस कमरे में क्या है और ये ताला क्यों लगा हुआ है? कुछ नहीं सर, पुराना सामान है सर, बाहर रखने की जगह नहीं थी इसलिए अंदर रख दिया सर। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ, खुलवाओ इसे। सर क्या करेंगे देख के सर, अब तक तो उसमें दीमक लगी हुई सर। अबे जी, इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ कि पुराने सामान को नया जैसा कर। चलिए खुलवाइए। आइए सर। ओ माय गॉड, लगता है सालों से किसी ने इस रूम की सफाई नहीं करवाई। मैं कल सुबह ही कुछ वर्कर का इंतजाम करता हूँ ताकि इस कमरे की साफ सफाई हो सके। अब चले वापस। अरे अभी अभी तो आए हैं, जरा सामान देख लेने दो। और ये सब क्या है, इतना सारा कीमती सामान जमीन पे बिखरा पड़ा। अबे जी, ये हो क्या रहा है? सर मैं ठीक कर दो सर, डोंट वरी सर। हाँ सर, चलिए चाय बन गई सर, ठंडी हो जाएगी सर। अबे जी, मुझे ठंडी चाय पीने में ही मजा आता है। अरे सर, ये सर क्या कहा आपने सर? छापित खंजर है सर, छापित। अरे आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे इस खंजर से मैं आपका गला काट दूंगा। सर ये मजाक की बात नहीं सर, अरे कुंवर राजबुंदेला का खंजर है। जब भी खौफ से बाहर आता है किसी ना किसी मासूम का खून बहा देता है। मुझे सुबह यहाँ पे पूजा करवानी होगी, कहीं ये खंजर आपकी जिंदगी में तूफान ना मचा दे। शाप तूफान। अबे जी, आप लगता है आज भी 16वीं सदी में जी रहे हैं। तो इस महल से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया कहां से कहां निकल गई है। सर, दुनिया चाहे कितनी आगे क्यों ना निकल जाए, लेकिन हमें कुछ चीजों को पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए। शायद वो मौत की दस्तक दे रही हो और ये खंजर उन्हीं में से एक है। जब जब ये खंजर इस खोल से बाहर निकले, खोल से बाहर निकले, इसकी प्यास तभी बुझेगी, प्यास तभी जब ये किसी का खून चखे, किसी का खून चखे। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, एक दिन मर जाए, एक दिन मर जाए, मगर हमारे बदले की आग, हमारे बदले की आग खंजर में हमेशा अमर रहे। सर ये खंजर रख दीजिए। अबे जी, आपकी इस कहानी पे एक अच्छी खासी हॉरर फिल्म बन सकती है और उसका नाम होगा प्यासा खंजर। आप हंस रहे हैं सर, आप जानते नहीं किसका अंजाम क्या हो सकता है। मुझे कल सुबह पंडित जी को बुलवाकर यह पूजा करवानी होगी कि आपने इस खूनी खंजर को नींद से जगा दिया, इसे दोबारा सुलवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, कल सुबह सुला दीजिएगा, अभी चलते हैं और बहुत कुछ। चलिए आइए। अंशुमान, खाना खा लो यार। भैया बस 10 मिनट में आ रहा हूं। अरे क्या 10 मिनट यार, खा लो ना अभी, कितना लेट खाना खाता है।
अंदर गायब। काफी गहरा घाव है, शायद खून किसी चाकू या फिर खंजर से किया गया लगता है। आप इनके छोटे भाई हैं? जी हाँ, मैं ही उनका छोटा भाई हूँ। मैंने ही आपको फोन किया है। मेरा नाम अंशुमन है। जब धर्मवीर सिंह जी ने आपके भाई का खून किया, उस वक्त आप कहाँ थे? जी मैं ऊपर छत पे था, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, फिर एकदम से भैया की चिल्लाने की आवाज सुनाई थी और फिर क्या? फिर मैं भागा, नीचे आया और देखा कि भैया यहाँ खून से लथपथ पड़े हैं और इनके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं था। किस हथियार से खून किया आपने? तलवार से या खंजर? सर, पूरे घर की तलाशी ले ली हर जगह, पर कहीं कोई हथियार नहीं मिला। धर्मवीर सिंह जी, आप होंगे राजघराने से, लेकिन इस वक्त आप केवल एक संदिग्ध हैं। बेहतर यही होगा कि हमारे सवालों का जवाब दें। हथियार कहाँ छुपाया आपने? तुम जब आए, उस वक्त इनके हाथ में हथियार था? नहीं सर, इनके हाथ में हथियार नहीं था, लेकिन इनके हाथ खून से रंगे हुए थे सर, देखिए। घर से बाहर तो कोई निकला नहीं, तो हथियार इधर ही कहीं होगा। एक काम करो। जी सर। पूरे घर की फिर से तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। रामवीर जी, कहीं आपके साथ कोई दूसरा आदमी तो नहीं था ना जुर्म के वक्त, जो हथियार लेकर आपको चक्कर हो गया? देखिए, अगर आपको लगता है कि हथियार नहीं मिलने से आप बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इन्होंने तो मौन व्रत धारण कर लिया है। चलिए इतना ही बता दीजिए कि खून क्यों किया आपने? हम सिर्फ इतना जानते हैं इंस्पेक्टर कि यह खून हमने नहीं किया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। क्या कह रहे हैं कि फ्लाइट बहुत जल्दी हो जाएगी? नहीं सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। किधर बॉस? गोवा। गोवा, वाओ, क्या बात है, सॉलिड बॉस। मैंने सोचा अभी कोई केस भी नहीं है तो थोड़ा घूम आते हैं, कुछ दिन बीच पर आराम करेंगे, थोड़ा चैन की नींद सोएंगे। सर, आई लव गोवा एंड आई लव सीफूड। अपुन भी। तुझे गोवा के बारे में बड़ा पता है? अरे बॉय, वरुमाई छोड़ो, अपुना हर साल अक्का न्यू ईयर पे अपुन उधर ही से रहता अपने दोस्तों लोग के साथ, एकदम बड़ा मजा आता, एकदम सॉलिड। भाग्यशाली है तू, मुझे तो याद भी नहीं अंतिम बार मैंने न्यू ईयर कब मनाया था। क्या बात करे बॉस, बचपन के दोस्त का फोन है जयपुर से। साहिल, क्या हाल है? तो याद ही नहीं करता आजकल, क्या बात कर रहा है? अच्छा, क्या नाम है तेरे चचेरे भाई का? धर्मवीर। तू चिंता मत कर, मैं आता हूं, लड़ूंगा उसका केस में। हाँ चल, सी यू। अभी गोवा दूर है बॉस। कोई बात नहीं, गोवा की मच्छी करी ना सही, जयपुर की दाल बाटी तो चलेगी। क्यों सर? मुझे दाल बाटी भी पसंद। भूखा है आदमी। वरुण भाई चलो तैयारी करो।
जीने के लिए। ये खून मैंने नहीं किया है। मैं तो आयुष्मान जी के पास ये दरख्वास्त लेकर पहुंचा था कि हमारे बुजुर्गों के इस महल को आम लोगों की नुमाइश का अड्डा ना बनने दें। तो आप नहीं चाहते थे कि वहां म्यूजियम बने? हम क्या, हमारे खानदान में कोई भी राजा ये बात नहीं चाहेगा। ये बात सोचकर भी हमारे बुजुर्गों की रूह कांप जाती होगी कि उनकी बनाई हुई चीज पर, उनके बनाए हुए उन आलीशान महलों पर सरकार तिजारत करे, लोग वहां आए, एक एक नुमाइश का सा माहौल बना रहे। तो स्पष्ट है कि आयुष्मान ने आपके इस निवेदन को ठुकरा दिया होगा। मेरे लाख समझाने पर भी उनके कान पर छू तक नहीं रहेंगी। मैंने उन्हें यहां तक भी कहा कि ये महल हमारे जैसे राजाओं की कमाई का आखिरी जरिया है, लेकिन बात उनको तब भी समझ नहीं आई। इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ होगा और फिर परिस्थिति हाथ से निकल गई होगी। केडी साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, माहौल जरूर गरमाया था, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो। The court is called to order. Your Honor, केस आईने जैसा साफ है, इसमें दो राय है ही नहीं कि आयुष्मान खन्ना का कत्ल धर्मवीर सिंह बुंदेला ने ही किया। Your Honor, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राठौर साहब, इन्हें वकालत से अधिक आपकी कुर्सी में रुचि है, तभी तो केस के आरंभ होने से पहले ही निर्णय सुना रहे हैं। मिस्टर राजवीर, खूनी कौन है और कौन नहीं, ये फैसला आप मुझ पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। प्लीज कॉल योर फर्स्ट विटनेस। सॉरी ऑनर, परसों ठंडी आइसक्रीम हो गई इसलिए। आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है, मतलब मेरे सामान्य ज्ञान के अनुसार। जरा गरम कीजिए, सुनवाई को अपने गवाह को बुलाएं। मैं आयुष्मान खन्ना के छोटे भाई अंशुमन खन्ना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है अंशुमन जी। 14 तारीख की रात को आयुष्मान खन्ना का कत्ल मिस्टर धर्मवीर सिंह ने किया तो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई रिफ्रेश। अंशुमन जी, 14 तारीख की रात को जब आपके भाई साहब का कत्ल हुआ तो आप कहां थे? जी, हमारे घर में मोबाइल के नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाहर बालकनी में अपने दोस्त से बात कर रहा था। हाँ कपिल, बोल यार। अरे नहीं यार, कुछ नहीं, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया? जी कहिए। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, आपकी तारीफ। हम धर्मवीर सिंह बुंदेला है। आपकी सरकार जिस महल को म्यूजियम में तब्दील करके उसे जनता की नुमाइश का अड्डा बनाना चाहती है, हम उसके मालिक हैं। ओह, आइए आइए, अंदर आइए प्लीज। कम और बताइए धर्मवीर जी, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? आप तकल्लुफ मत कीजिएगा, हम यहाँ अपने महल के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। बातों बातों में मैं अपने छोटे भाई से तो आपको मिलवाना ही भूल गया। यह है अंशुमन, मेरा छोटा भाई। हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? धर्मवीर जी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। आप इसके सामने बात कर सकते हैं। इट्स ओके भैया, आप लोग कैरी ऑन कीजिए। वैसे भी मुझे कपिल से बात करनी है, तो मैं ऊपर जाके बात करता हूँ। ठीक है। हाँ कपिल, एक मिनट। यार नेटवर्क का ये बड़ा। हेलो। हाँ कपिल, बोल यार। मतलब कि इस तरह धर्मवीर जी ने आपको उस कमरे से बाहर भेज दिया ताकि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। हाँ? जब आप बैल्कनी में दोबारा गए फिर क्या? मुझे भैया और धर्मवीर के झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी, वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे, फिर एकदम से अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुझे बाद में फोन करता हूं।
मार डाला, तूने मेरे भैया को मार डाला, तुमने। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मेरे भाई का खून हो गया सर। आप एड्रेस नोट करिए सर, कातिल मेरे सामने है सर, आप जल्दी से आ जाइए सर। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जिस वक्त आयुष्मान खन्ना का कत्ल हुआ उस वक्त कमरे में सिर्फ और सिर्फ धर्मवीर सिंह बुंदेला ही थे। मैटर इज एब्सोल्युटली क्लियर कि कातिल मिस्टर बुंदेला ही है। अरे राठौर साहब रुकिए ना, मैं जानता हूं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन निर्णय से पहले मुझे भी तो जरा प्रश्नोत्तर करने का अवसर दीजिए, आपको आपत्ति ना हो तो। नो नो, आप बैठिए जरा। वो अंशुमन जी, आपने कहा कि आप छत पर खड़े हुए थे, बालकनी पर जी, वहां से आपने अपने भाई साहब और धर्मवीर के बीच जो विवाद हो रहा था उसे सुना, तो ठीक से सुना आपने, क्या चल रहा था दोनों में जी? कुछ कुछ नहीं, देखिए ये कुछ कुछ जो शब्द है वो कुछ कुछ होता है जैसे चलचित्रों के शीर्षक में ही अच्छा लगता है, ये अदालत है, यहाँ कुछ कुछ नहीं पूरा पूरा चलता है, तो पूरा पूरा बताइए क्या आपने सुना था, नहीं सुना था, क्या हुआ था? जी मैं फोन पर था, मुझे सिर्फ भैया धर्मवीर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन झगड़ा किस बात पे हो रहा था मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मतलब आवाजें सुनी, शब्द क्या बोले जा रहे थे वो नहीं सुना आपने, जो भी हो तो कितने समय तक ये विवाद चल रहा था दोनों के बीच? यही कुछ 10 से 12 मिनट तक। अच्छा 10 12 मिनट, ये बहुत प्यारी घड़ी पहनी है आपने, महंगी भी लग रही है, अवश्य स्विस मेड होगी है ना जी? ये मुझे मेरे भैया ने दी थी मेरे पिछले बर्थडे पे। तो उस दिन जब आप बालकनी में खड़े खड़े इनके बीच होते हुए तर्क वितर्क को सुन रहे थे, उस समय भी आपने ये घड़ी पहनी थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस से अंशुमन की घड़ी का क्या वास्ता? योर ऑनर, जब इन्होंने इतने विश्वास से कहा कि ये 12 मिनट तक ऊपर छत पर खड़े थे, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन्होंने अनुमान से कहा था, ये घड़ी देखकर कहा था? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यूं ही कह रहे हैं या घड़ी पहनी थी, बताइए? जी मैंने घड़ी पहनी थी। घड़ी पहनी थी आपने? जी करीबन 9 बजे मैं बालकनी में गया और 9:15 में मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी और मैं तुरंत भागा। अच्छा मतलब ये चीख सुनकर आप तुरंत बालकनी से नीचे आ गए, तो बालकनी से नीचे आने में कितना समय लगा होगा आपको? जी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे मैंने चीख सुनी मैं वैसे ही भागा। नहीं मतलब अनुमान से बताइए, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 10 सेकंड लगे आपको नीचे, तो अब 10 सेकंड में नीचे आए और क्या देखा आपने? मेरे मुक्किल के हाथों में कोई हथियार था जी? नहीं। अरे तो धर्मवीर ने वो हथियार छुपा दिया होगा ना? हथियार छुपा दिया 10 सेकंड में? एक काम करिए राठौर साहब, मैं आपको ये पेंसिल देता हूँ, आप 10 सेकंड में से छुपाइए, पकड़िए, चलिए गिनती शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राठौर साहब आप 10 सेकंड में एक पेंसिल नहीं छिपा पाए और आप चाहते हैं कि हम इस बात को मान ले कि मेरे मोकिल ने हत्या करने के पश्चात 10 सेकंड में इतनी सुंदरता से उस चाकू को छिपाया कि पुलिस को घटनास्थल से वो चाकू प्राप्त ही नहीं हुआ। योनर, वहां कोई खुफिया दरवाजा होगा, खुफिया कमरा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि पहली बार मेरे मोकिल वहां गए थे आयुष्मान के घर, इन्हें कैसे पता चलेगा उनके घर में कहां खुफिया दरवाजा है, कहां खुफिया कमरा है? भाई तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई खुफिया कमरा है, कोई खुफिया दरवाजा है? जी नहीं। नहीं है योर ऑनर, नो मोर क्वेश्चंस। मिस्टर राजवीर, आपको अंशुमन से कुछ और सवाल पूछने? योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो बस अब मैं धर्मवीर जी से एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। धर्मवीर जी,
एक सीधा सीधा सवाल है, आपने आयुष्मान का कत्ल क्यों किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राठौर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक मेरे मुवक्किल पर लगा हुआ आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आप अपने शब्दों का चुनाव जरा सोच विचार कर कीजिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर राजवीर, आप मिस्टर धर्मवीर से उतना ही पूछिए जितनी जरूरत है, उनको उकसाइए नहीं। धन्यवाद योर ऑनर। वकालत की किताब तो आपने पढ़ी होगी जिसमें लिखा है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता हर संदिग्ध निर्दोष होता है। पाठक जी, मैंने पढ़ा भी है और समझा भी है। फिलहाल तो मैं इनसे ये समझना चाहता हूँ कि आयुष्मान के घर गए क्यों थे? हम आयुष्मान जी से दरख्वास्त करने के लिए गए थे। आयुष्मान जी, वो जो हमारा महल है, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, हमारा गौरव है, और हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से सरकार के अधीन ना हो और एक म्यूजियम में तब्दील ना हो जाए। I'm sorry, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो महल हम राजाओं की धरोहर है, खानदान की धरोहर है? वो महल सिर्फ आपके खानदान की धरोहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। एक हेरिटेज साइट है और सबसे बड़ी बात, इस देश के टूरिस्टों और अन्य नागरिकों के लिए एक ज्ञान का भंडार है। और सबसे बड़ी बात धर्मवीर जी, आपने उस महल की देखरेख, उसका रखरखाव ठीक ढंग से किया ही नहीं। वो हमारा महल है, हम उसे जैसे चाहे रखें। सरकार कौन होती है दखलंदाजी देने वाली? आप एक बात भूल रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। आपके राजघराने का शासनकाल खत्म हो चुका है, और हाँ, इसके बावजूद भी आपको कुछ करना है तो आप सरकारी दफ्तर जाएं और जाकर वहां पर अर्जी दें। देखिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो महल ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है? आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इसमें मैं आपकी ये आवाज कैसी है? जंजीर की आवाज है, कोई अंदर है क्या? जी नहीं, आप रुकिए, मैं देख कर आता हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस घर में आप तीनों के अलावा एक चौथा व्यक्ति भी था जो कि कमरे में अंदर छुपा हुआ था? हाँ। आप प्लीज लेखक कभी मत बनिएगा, क्योंकि आप कहानियां बहुत ही खराब सुनाते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ये प्रूफ करे कि वहां कोई चौथा व्यक्ति था। और फिर आयुष्मान ने भी कहा कि वहां वो अकेला था और एक ही दरवाजा था, तो आप किस बना पर कह सकते हैं कि खूनी कोई और था? योर ऑनर, उस समय अंशुमान घर पर ही था, हो सकता है कि ये कत्ल इसी ने किया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो मेरा भाई ही नहीं, मेरे लिए भगवान था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसी की वजह से हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर अंशुमान, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, बैठ जाइए। बुंदेला साहब, आपने खुद कहा कि अंशुमान बालकनी में था, तो एक ही वक्त एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? प्रोसिक्यूटर साहब, मगर ये भी अगर मगर कुछ नहीं, योर ऑनर, मेरे पास ऐसे सबूत हैं। यह अंशुमान के फोन रिकॉर्ड है जो कि कहते हैं कि जिस वक्त आयुष्मान का मर्डर हुआ वो फोन पर था। मैंने आज तक ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा कि एक आदमी फोन पर हो और मर्डर कर रहा हो। ये मल्टीटास्किंग तो मुझे इम्पॉसिबल लगती है। योर ऑनर, सिंपल केस है, आयुष्मान ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए इन्होंने आयुष्मान का कत्ल कर दिया। और हथियार, हथियार कहां गया? पाठक जी, हथियार हथियार कहकर और उसकी आड़ लेकर आप एक खूनी को बचा नहीं सकते। योर ऑनर, जैसा कि मेरे मुवक्किल ने कहा, संभावना है कि वहां कोई चौथा व्यक्ति रहा हो और हत्या करने के पश्चात वो हथियार को अपने साथ ले गया हो। अगर कोई चौथा आदमी होता तो उंगलियों के निशान नहीं मिलते पुलिस को क्या? हाँ, तो हत्या करते समय दस्ताने भी तो पहने जा सकते हैं। योर ऑनर, पाठक साहब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। लेकिन मेरे पास फैक्ट्स है ये साबित करने के लिए
कि आयुष्मान खन्ना के मर्डर के लिए एक ही आदमी के पास मोटिव था और वो आदमी है मिस्टर बुंदेला। अपना महल बचाने के लिए इन्होंने हाथ पैर मारे, हाई कोर्ट तक गए, और यही बात साबित करने के लिए मैं चीफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर व्यास को बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है। शेखर जी, आप मिस्टर धर्मवीर को कब से जानते हैं? यही कोई पिछले 2 साल से, जब मैं अपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके महल में कुछ रिसर्च के लिए गया था। जब मैं खुदाई कर रहा था, उस खुदाई के दौरान एक पुराना मंदिर मिला। तो आपका रिश्ता उनसे हलो हाय वाला है या कुछ दोस्ती खास है? देखिए, आप वक्त गुजरते गुजरते हम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अच्छी खासी दोस्ती मतलब आपने एक दूसरे के सुख दुख भी बांटे होंगे? अच्छी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि बुंदेला साहब ने अपने दुखों के बारे में आपसे कुछ कहा? जी, एक ही बात थी जो इनके दिल में कांटा भरकर चुभ रही थी, और वो ये थी कि इनके महल का म्यूजियम में तब्दील होना। तो आखिरी बार इस टॉपिक पर आपकी बात उनसे कब हुई थी? पिछले हफ्ते इन्होंने फोन किया था मुझे। शेखर जी, मैं आपसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे इस महल को आप म्यूजियम में तब्दील होने से बचाइए। हम अपने बुजुर्गों को ऊपर जाकर मुंह कैसे दिखाएंगे? देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शेखर जी, ये महल तो हम बचा ही लेंगे, चाहे इसके लिए हमें दाम दाम दंड भेद में से कोई भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े, हम अपनाएंगे। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? पैसे चाहिए, हम पैसा पानी की तरह से बहा देंगे। आपको जिसका मुंह बंद करना है टोटो से उसका कीजिए शेखर जी, बस किसी तरह से इस प्रपोजल को कैंसिल करवाइए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है, दुनिया तमाशा देखेगी। भाई साहब, इस महल को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और इसको बचाने के लिए हम भी अपना लहू देंगे, मरेंगे या मार डालेंगे। योर ऑनर, सुना आपने? मारेंगे या मर जाएंगे, यही सोच है इस आदमी की, और इसने यही किया, आयुष्मान खन्ना को मार डाला। योर ऑनर, हम मानते हैं कि हमने ऐसा कहा था। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर अमल भी करे। यानी कि आपको आपके गुस्से पर काबू नहीं है, और इसी गुस्से की वजह से आपने एक मर्डर भी कर दिया। अगर हमें गुस्से पर काबू नहीं होता तो आप यहाँ इतनी बदतमीजी करने के बाद भी सही सलामत नहीं खड़े रहते। धमकी? योनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को धमकी? योनर, ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, अगर इसे बाहर छोड़ा गया तो अपने महल को खोने के गम में ना जाने कितने लोगों को मार डाले। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। राठौर साहब मेरे मोक्किल पर बिना किसी कारण व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा अदालत इन्हें चेतावनी दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर राजवीर, आप मिस्टर धर्मवीर से उतना ही पूछिए जितनी जरूरत है, उनको उकसाइए नहीं। अब मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट सवाल करूंगा और आप उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे। अगर वहां चौथा शख्स था तो वो बाहर कैसे आया? क्योंकि उस घर में एक ही दरवाजा था, उस हॉल में जहां आप खड़े हुए। हमें नहीं पता धर्मवीर साहब, हमें नहीं पता से काम नहीं चलेगा। ये मर्डर केस है, अगर आपने अपना बचाव ठीक से नहीं किया तो फांसी हो सकती है आपको। योर ऑनर, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, इस खून से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये बात अगर सच है कि उस जगह पे कोई चौथा आदमी मौजूद नहीं था, तो ये खून उसी शापित खंजर ने किया है। जो न जाने कितने सालों से अनगिनत लोगों की जान ले रहा है। क्या कहा आपने? शापित खंजर? जी हां, 100 साल पुराना शापित खंजर है वो। पिछले 50 सालों में न जाने कितने लोग की जान ले चुका है। ये खंजर कुंवर राज सिंह जी का था। वो अपने इस खंजर से ऐसे ही प्यार करते थे जैसे जैसे कोई अपनी प्रेमिका को प्यार करता है।
दिन रात उसी खंजर को देखते रहते थे, लेकिन 13 जून 1910 को कुछ ऐसा हुआ। कुंवर साहब अपने घर में सो रहे थे और उन्हीं के दोस्त ने उनका खंजर चुरा कर उन्हीं की छाती में घोंप दिया। कुंवर साहब तो नींद में ही खत्म हो गए, लेकिन उनकी आत्मा ने उस प्यारे खंजर का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी कुंवर साहब की आत्मा उस खंजर से जुड़ी है। जो भी उस खंजर को खोल से निकालने की कोशिश करता है, वो शामिल खंजर उसकी जान ले लेता है। दिस इज वेरी फनी। बचाव के लिए इनके पास और कोई स्टोरी नहीं बची तो भूत प्रेत की कहानी सुनने लगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है प्रोसिक्यूटर साहब। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये बात अभय से पूछ सकते हैं। योनर, अभी अभय कौन है? अभय हमारे महल का केयरटेकर है। लगता तो नहीं कि आपके महल की कोई केयर कर रहा है, नहीं तो वो म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं होता। योनर, मैं मिस्टर अभय को कटघरे में बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है तो मिस्टर अभय, कहीं आप भी हमें मिस्टर धर्मवीर वाली डरावनी कहानियां तो नहीं सुनाएंगे? जज साहब, ये कहानी सच है। जो भी आदमी उस खंजर को खोल से निकालता है उसकी मौत निश्चित है, और ये गलती आयुष्मान जी ने भी की थी। अरे सर, ये सर क्या कहे आपने? सर छापित खंजर है सर, छापित। अरे आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे इस खंजर से मैं आपका गला काट दूंगा। सर ये मजाक की बात नहीं सर। मैं तो उन्हें श्राप से मुक्त करवाने के लिए अगले दिन सुबह हवन कराने वाला था कि उसी रात उनकी मौत हो गई। तो इसका मतलब अगर आपने सुबह उनका हवन करा लिया होता, पूजा करा ली होती, तो आयुष्मान की मौत नहीं होती? जी नहीं। योनर, आई एम शॉक्ड कि आज के जमाने में इतना अंधविश्वास। वकील साहब, ये अंधविश्वास नहीं, इसका सबूत है मेरे पास। अच्छा, कैसा सबूत? दरअसल वकील साहब, कुछ साल पहले हमारे महल में एक लड़की पंजाब से आई थी, मेघना नाम था उसका। वो भी उस खंजर से वैसी आकर्षित हुई थी जैसे आयुष्मान हुए थे। और जज साहब, उस केस में कोई भी हथियार नहीं मिला था। अभी जी आप ये कह रहे हैं कि आपका खूनी खंजर आपके महल से पंजाब गया, वहां उस लड़की का खून किया और वापस आपके महल में आ गया, और ये बात आप चाहते हैं कि हम यकीन करें? देखिए वकील साहब, आप मेरी बात पर यकीन करें ना करें, जो मैंने देखा है सुना है मैं वही आपको बता रहा हूँ। यही बात महल के कई लोगों ने भी देखी और सुनी है। योनर, मिस्टर अभय ये बेतुकी बातें करके अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपना दूसरा गवाह बुलाऊं। एक मिनट रुकिए सर, आपको आपत्ति ना हो तो एक आध प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूं। लगता है आपको डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है। दो चार आप भी सुन लीजिए। राठौर साहब, क्या कहानी है और क्या वास्तविकता, ये निर्णय न्यायाधीश महोदय को करने दीजिए। अभय जी, जिस समय आयुष्मान जी की हत्या हुई आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? वकील साहब, मैं उस वक्त महल के ऑफिस में काम कर रहा था और मुझे अंशुमन जी का फोन आया। हेलो, भाई साहब का खून हो गया और उसे धर्मवीर ने मारा है। क्या, आयुष्मान जी का खून हो गया? और फोन पर बातचीत करने के पश्चात क्या हुआ? जी, अंशुमन जी ने कहा कि उनकी हत्या धर्मवीर जी ने की है। वकील साहब, मैं समझ गया कि ये काम शापित खंजर का ही है। अगले दिन मैं स्टोर रूम पे ये देखने के लिए गया कि खंजर वहां पर है कि नहीं। खंजर वहीं पे था। मिस्टर अभय, उस खंजर पर आपको आयुष्मान के खून के धब्बे मिले कि नहीं मिले? जी, निशान बिल्कुल नहीं थे।
योनर, इनका ऑटोमेटिक खूनी खंजर खून करता है, वापस महल में आता है और अपने आप को धो धा के सेटल हो जाता है। काश ऐसा खंजर मेरे पास होता, मैं उस पर बैठता और उड़कर स्विट्जरलैंड चला जाता। नाक बह रहा है आपका, स्विट्जरलैंड जाएंगे तो कुल्फी जम जाएगी नाक में। एनीवे, तो पाठक साहब, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? खूनी खंजर, इन सब चीजों में आप बिलीव करते हैं? योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि ऐसे अंधविश्वास में मानना ये वैज्ञानिक भी है और उचित त्रुटि भी नहीं, किंतु योर ऑनर, संभावना तो है कि कोई चौथा उस कक्ष में रहा हो जिसने उसी खंजर का उपयोग किया हो हत्या करने के लिए। योर ऑनर, मैं इस बात की छानबीन करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूँ। अगली सुनवाई होगी ठीक एक हफ्ते बाद, यानी 22 तारीख को सुबह 11 बजे। Till then the court is adjourned। पाठक जी, जी एक फ्रेंडली एडवाइस दूं? हाँ हाँ जी। आप इस केस से अपना नाम विड्रॉ कर लीजिए। क्या है, आज तक आप कभी भी कोई केस हारे नहीं है, लेकिन ये केस आप हारने वाले हैं। मैं भी आपको मित्रता में कुछ देना चाहता हूँ। श्योर। रिश्वत दे रहे हैं क्या? अजी नहीं, ये डॉक्टर सुनीता, जाकर अपनी चिकित्सा करवाइए, पैसे भी नहीं लेगी आपसे। बहुत अच्छी डॉक्टर है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली सुनवाई में आपको ये रुमाल नाक पोंछने के लिए नहीं, आंसू पोंछने के लिए जरूरत पड़ेगी। Come in. डॉक्टर वशिष्ठ। अरे आओ आओ केडी, क्या बात है, क्या हाल है? काफी फिट लग रहे हो, जिमिंग श्मिंग काफी जरूर से चल रही लगता है। हाँ डॉक्टर साहब, अब क्या करें, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि व्यायाम करने से न केवल शरीर की तंदुरुस्ती लेकिन मन भी तंदुरुस्त रहता है। और एक तेज दिमाग शातिर वकील का सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम्हें कुछ ऐसी बात बताएं जिससे तुम्हारे पास एक और शातिर हथियार मिल जाए, जिसे कोर्ट में तुम अपनी दलील अच्छी तरह पेश कर सको। यह है आयुष्मान की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसको देखने से लगता है कि उसके छाती के घाव में कुछ केमिकल्स पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल ब्रास और कॉपर के मेटल पॉलिश में किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ डॉक्टर साहब कि जब हत्या की गई उसके कुछ समय पहले ही उस हथियार को पॉलिश किया गया था। एग्जैक्टली। और कोई विशेष जानकारी उस हथियार के बारे में? देखो केडी, आयुष्मान के छाती का घाव का जो मैंने माप लिया, उसके बाद जो इस तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया होगा, एक ऐसा खंजर जो लगभग 10 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी होगी। वैसे लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। डॉक्टर साहब, देखना ये है कि आपका ये जो वर्णन है ये उस शाही खंजर पर सही बैठता है या नहीं। सर, मगर हम ये करेंगे कैसे? उचित प्रश्न हो। ये उस महल का नक्शा है, बड़ी चतुराई से इसमें प्रवेश करना है और शाही खंजर का पता लगाना है। सर एक आइडिया है। बोल। हेलो, क्या हो रहा है? भिड़ू भिड़ू कौन? भिड़ू भाई साहब, आपने गलत नंबर डाल दिया है। अरे तू भिड़ू रे, अपने एकदम सही नंबर मिला है। अपुन म्यूजियम के ट्रेड रेट से बोल रहे हैं। पखिया कैसा रे? पखिया, ये कैसा नाम है? तेरे को अपुन का नाम पसंद नहीं आया? अपुन चेंज करे, अपुन अपने आई को बोलेगा। लेकिन बाद में, पहले तो अपुन की बात सुन। मैं बोला ना, अपुन कहां से बोल रहा है? म्यूजियम डायरेक्टर से। ये म्यूजियम डायरेक्टर में डबल ने कब से आने लगे? खैर बोलिए। अब सुन, अपुन अपने बच्चे को तेरे पास भेज रहा है। रोकी, वो जर्नलिस्ट है, वो जो तेरे से सवाल पूछे उसका सीधा सीधा जवाब देने का, जो करने को बोले वो करने का। ठीक है, चल चल चल, अब अपुन रखता है। नमस्ते तल, तल मेरा नाम लॉकी है। मुझे पकिया ने आपके बारे में बताया था, किस अखबार के लिए लिखते हैं आप? तल, मैं अखबार के लिए नहीं लिखता, मैं मैगजीन के लिए लिखता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप उसका अगला एडिशन मुझे भेज दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, जिसमें आप इस मेल के बारे में लिख रहे हैं। जरूर सर, जरूर सर, मैं वो कॉपी आपको पर्सनली कोरियर करूंगा। ठीक है,
तब मैंने आपके इस महल के शापित खंजर के बारे में बहुत सुना है सर, मुझे उसका एक फोटो खींचना है सर, सर हमारे लीडर्स के लिए। नहीं नहीं, आप यहाँ किसी की भी फोटो ले लीजिए, लेकिन मैं उस छापित खंजर की फोटो नहीं लेने दूंगा। सर मेरे करियर का सवाल है सर, मेरे एडिटर ने बोला कि अगर मैं छापित खंजर का फोटो खींच के लाऊंगा तो मेरा प्रमोशन कर देगा, प्लीज सर मान जाइए ना सर, प्लीज एक अच्छा, बार। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? आप उस खंजर को छुएंगे नहीं। तो मैं उस खंजर को हाथ क्यों लगाऊंगा, मुझे तो उसकी फोटो खींचनी है, उसके साथ खेलना थोड़ी ना है। दूसरी शर्त, उस खंजर को आप खोप से बाहर नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं सर, मैं उस खंजर को खोप से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं जानता हूँ अगर वो खंजर बाहर निकला तो किसी ना किसी का खून बहना तय है। ये तो मैं कैसे पता? सर मैंने आपको बोला ना, मैंने उस छापित खंजर के बारे में सुना है। ठीक है, लो फोटो खींच लो। छापित खंजर, थैंक यू वेरी मच, तब मैं एक मिनट में उसकी फोटो खींच लेता तो थैंक यू तो मत, तब बस तो कैमरा में लेंस लगाने में तो 2 मिनट लगेगा, तो मैं पहली बार छापित खंजर को देख रहा हूँ सर। हो गया था, हो गया, लग गया। जल्दी खींचो भाई। बस तब मैं 2 मिनट में फोटो खींच लेता हूँ सर। ये फोन बिना कभी भी आया था, सुनो तो जल्दी फोटो खींचो, मैं भी आ रहा हूँ। और हाँ, छूना मत। सर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा सर, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा सर। नहीं, कौन फोन करता है? लॉन्ग नंबर डायल करता है सर। लॉन्ग नंबर था सर? हाँ। मेरे को भी बहुत सारे लॉन्ग नंबर आते हैं, खासतौर पे लड़कियों के। फोटो खींच ली? फोटो क्या खींच ली सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो भाई आर्टिकल सक्सेस किया बोला तो लेके जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खंजर को खोल से निकालने की कोशिश करता है और शापित खंजर उसकी जान ले लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.